Calling Kangana Ranaut a bachchi, filmmaker Mahesh Bhatt said he would not like to comment against a bachchi who started her Bollywood journey as an actress from his production company Vishesh Films. On being asked about the recent social media attack by Kangana's sister Rangoli Chandel, Bhatt told reporters, "हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों पे उंगली नहीं उठाते। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों के खिलाफ कहना उससे आपकी दुकान तो चल जाएगी, मगर हमारा जो एक जीने का तरीका है वो आड़े आता है। इसलिए मैं कभी नो कमेंट्स कह के बात को टालता नहीं हूँ, मगर क्योंकि एक जूनियर बच्ची है जिसने ज़िंदगी हमारे साथ शुरू की है, अगर उसने कुछ उसके रिश्तेदार ने कुछ कहा है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, उससे बात जो है बढ़ेगी और हम मरते दम तक हमारे बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं कहेंगे। ये हमारे स्वभाव के खिलाफ है, हमारी फितरत के खिलाफ है। आप उससे बुलवाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कही है, बात कही है, बड़े लेवल पे वायरल किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कही है लोगों, अगर मुझे गाली देने से आपकी दुकान चलती तो मुझे अगर आप मुझे गाली देने से किसी की दुकान चलती तो मुझे क्यों एतराज़ होना चाहिए? कोई पेट भर रहा है, किसी की दुकान चल रही है, मगर मैं अपने जूनियर्स के खिलाफ, अपने महिलाओं कोई बच्चियों के खिलाफ एक बुरा कड़वा शब्द नहीं बोलूँगा। ये मेरे संस्कार में जो रोकते हैं, मैं नो कमेंट्स वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मैं बोलूँगा। Rangoli attacked him and Bhatt's wife and their superstar daughter Alia Bhatt and called him non-Indian. In an earlier interaction with media, Kangana had turned media's comparison of her performance with Alia's Gully Boy an embarrassment. Media have taken filmy kids' love too far, stop pampering mediocre work or else bar will never be raised, the Manikarnika actress had said. Kangana started her journey in Bollywood in 2006 with the film Gangster, which was produced by Mahesh Bhatt. Kangana also bagged the Best Debutante Award for the performance in the film. Honest Report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.